नमस्कार, आप देख रहे हैं मुखिया जी डॉट कॉम और हम आपके साथ शिवशंकर विश्नोई। दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद फिर से अपने पुराने ढाबे पर लौट कर आ चुके हैं। उन्होंने YouTube पर गौरव वाजना से माफ़ी भी मांगी। गौरव के वीडियो के बाद ही बाबा का ढाबा सुर्खियों में आया था, लेकिन बाद में मदद के पैसों को लेकर कांता प्रसाद ने गौरव के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर दिया था। अब बाबा की ओर से अपनी गलती मानते हुए अफसोस जताने पर गौरव ने प्रतिक्रिया दी है। गौरव का स्वाद ऑफिशियल के नाम का YouTube चैनल है। इसी चैनल पर पिछले साल 6 अक्टूबर को 11 मिनट का एक वीडियो डाला गया। इसमें 80 साल से अधिक उम्र की कांता प्रसाद ने रोते हुए बताया कि उनके दो बेटे और एक बेटी है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। वो और उनकी पत्नी दिन भर ढाबे पर खाना बनाकर बेचते हैं। उसके बाद मानो बाबा की किस्मत पलट गई हो। देश भर से इस दंपति के लिए प्यार उमड़ने लगा। जो जहाँ था वहीं से मदद की गुहार करने लगा। कई नेता और अभिनेताओं ने भी आगे आकर मदद की, लेकिन इसके बाद कांता प्रसाद की गौरव वासना से अनबन होगी। मामला बढ़ा तो बाबा ने 31 अक्टूबर 2020 को गौरव पर धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया। कांता प्रसाद ने आरोप लगाया कि गौरव ने लोगों से उनके नाम पर बड़ी रकम जुटाई है, लेकिन उन्हें कुछ हिस्सा ही दिया। गौरव ने आरोपों से इनकार किया। उसका दावा था कि बाबा के नाम पर 4.2 लाख रुपए मिले थे, जो उन्होंने दे दिए। लेकिन अब रेस्टोरेंट के बंद हो जाने के बाद कांता प्रसाद अपने पुराने ढाबे पर लौटे हैं, तो गौरव वासना के साथ किए बर्ताव की शर्मिंदगी जताई। कांता प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा, गौरव ने मुझे धोखा नहीं दिया। आप मुझे कहो कि इस पर साइन कर दो तो मैं कर दूंगा। मुझे क्या पता उस पर क्या लिखा है। गौरव ने मेरा भला किया, बुरा थोड़ी ने किया। गौरव ने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब वह भी आएगा तो उनका सम्मान किया जाएगा। कांता प्रसाद ने कहा कि हमने जानबूझकर उनका दिल नहीं दुखाया। अगर अनजाने में उनका दिल दुखा तो मुझे जो सज़ा मिलनी चाहिए मिले। मुझसे कहीं ना कहीं चूक हुई। मुझसे चूक यहाँ हुई कि मैंने कहा हमने गौरव वासना को नहीं बुलाया। गौरव वासना अपने आप आए थे और उस चूक के लिए हम शर्मिंदा हैं। हम चाहते हैं कि गौरव हमसे जुड़े। हम उनके से पहले की तरह मिलेंगे, लेकिन वो पहले आए तो सही। कांता प्रसाद के इस बयान के बाद गौरव वासना ने इंस्टाग्राम पर इसका जवाब दिया। उन्होंने बस एक शब्द लिखा, कर्मा। कांता प्रसाद ने अपने पुराने ढाबे पर लौटने के बाद अपने उस रेस्टोरेंट के बारे में बात की जिसे उन्होंने मदद के पैसों से खोला था। कुछ महीनों में उसे बंद करने के बारे में कांता प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारे ढाबे पर ग्राहक कम हो गए थे। नए रेस्टोरेंट में घाटा था, खर्चा 1 लाख रुपये तक था और कमाई 30,000 की। ऐसे में हम वापस लौट आए। मदद में मिले पैसों के बारे में कांता प्रसाद ने बताया कि काफ़ी पैसा रेस्टोरेंट खोलने में खर्च हो गया। कुछ पैसा उन्होंने घर सुधारने में लगाया और पुराने कर्ज उतारने में लगाया। कुछ पैसा आगे के लिए बचा कर रखा है। यह थी सोशल मीडिया पर चर्चित एक कहानी, बाबा का ढाबा, जो कुछ समय पहले भी चर्चा में आया था, एक बार वापस पुनः चर्चा में है। इसी तरह की स्पेशल स्टोरियाँ, इतिहास, वैरोचक तथ्य, वायरल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें मुखिया जी डॉट कॉम के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।